अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी, शाम से स्टार्ट करी हूँ व्लॉग। तो ये साग आया था, मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था, उन्होंने बनाया था आज। तो उन्हें पता कि हम लोग को पसंद है, तो उन्होंने भेजा था। मुझे और जिशान को, दोनों को पसंद है साग। तो यानी कि सर्दियों की सौगात जो होती है ना, वो साग ही होती है हमारी तरफ। तो वो मैं देख रही थी, तो हम लोगों ने सिंगर और शवारमा वगैरह ऑर्डर किए थे। मेरी छोटी बहन है ना, वो आई हुई थी, तो हम लोगों ने वो ही ऑर्डर किए थे। क्योंकि जिशान को सिंगर वगैरह इतने सानिए वो प्रेफर करते हैं कि चले अगर हम लोग सिंगर खा रहे हैं तो वो शवारमा खाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपने लिए शवारमा लाए थे और हमारे लिए सिंगर। तो सिंगर मुझे यहाँ के बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे, अजीब से थे, पता नहीं क्यों। हम लोगों ने यहाँ से ना, ये पास ही इनके पिज़्ज़ा हट है कोई, तो वहाँ से लाए थे। तो फर्स्ट टाइम लाए थे वहाँ से सिंगर। तो पिज़्ज़ा पहले लेके आते हैं वहाँ से, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा होता है। तो ये नहीं थे अच्छे, इनकी जो बन लगे हुए हैं ना, वो ऐसे ना लोकल से रखते थे, काफ़ी अजीब से। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर खा लिए, खाने तो थे ही। तो फ्राइडे था ये, नेक्स्ट डे यानी कि कल का व्लॉग है, अगर आज मैं अपलोड कर सकी वीडियो। तो मैं जिशान का शलवार सूट ये नया स्टिच होके आया था, तो वो मैं प्रेस करूँगी, तो वो मैंने निकाला था कि वो कह रहे थे कि मेरे आने तक ना कपड़े प्रेस करते ना नमाज के लिए, तो वो मैं प्रेस करूँगी। तो उसके बाद दिन ऐसे गुजर गए हैं जी, गुजर रहे हैं। सर्दी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है मेरे ख्याल में, क्योंकि अब तो बाहर निकला ही नहीं जाता, इतनी ठंड और ठंडी हवाएं। सारा दिन धूप ही निकल रही होती है, लेकिन साथ में हवाएं भी होती हैं इतनी, तो बंदा नहा नहीं सकता इस सर्दी में। मैं ये कहूँगी, इतनी ठंड होती है, नहाने के लिए बड़ा माइंड सेट करना पड़ता है। तो मेरे कपड़े सिलाई प्रेस हो गए, तो वो मैंने रखे थे। तो अब शाह नमाज के लिए जा रहे हैं। उसके बाद मैंने आपसे शेयर करनी थी अपनी शू कलेक्शन, तो देख लें जी। ये मेरे शूज़ हैं, कुछ शादी के हैं, कुछ बाद में लिए थे। ये जो ब्राउन नज़र आ रहे थे आपको, ये थे, ये मैंने शादी के बाद लिए थे ब्राउन शूज़। तो ये मेट्रो से लिए थे, मैं फैसलाबाद गई थी लास्ट ईयर, फैसलाबाद गई थी तो वहाँ से लेके आई थी मेट्रो के। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत ही रीज़नेबल थे, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। ये जूते हैं यानी कि, ये अब मैं साइड पे करूँगी, जो गर्मियों में पहनने वाले हैं ना वो मैं साइड पे कर दूँगी। तो ये मेरे जो बरी के थे, अब बरी के किधर किधर से लिए गए ये तो मुझे पता नहीं होगा, ये भी मेरा बरी का था। शादी के ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे, तो काफ़ी अच्छे थे ये, बहुत अच्छा मुनासिब ही मुनासिब सा जूता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है शूज़ में, जूतों में। तो ये था सिल्वर कलर में, काफ़ी अच्छा है, मैंने एक दो दफ़ा पहना होगा मेरे ख्याल में। ये तो मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था, लेके आई थी अपनी लोकल मार्केट से, पास ही हमारे, वहाँ से लेके आई थी। उसके बाद ये शूज़ हैं, ये मेरी शादी से पहले के हैं, ये कहीं शादी वगैरह पे जाना हो तो मैं पहनती हूँ। पता नहीं कितने के लिए थे, मुझे नहीं पता, 1500 के आई थिंक ये लिए थे मेरी शादी के पहले, 1.5 साल अब तो शादी को हो गया, तो ये उससे भी पहले के हैं। कहीं मेरी कज़न की शादी थी शायद, तब लिए थे, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये बॉक्सेस लादा लादा हैं, कुछ के बॉक्सेस मैंने फेंक दिए हैं और कुछ को ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये भी मेरे, ये स्टाइलों से लिए थे, ये भी मेरे ना बरी के हैं। उसके बाद ये भी गोल्डन कलर में आ गए, एक दो आपको गोल्डन नज़र आएंगे। मोस्टली मेरे जो जूते वगैरह ना, ये मेरे शायद मैंने वलीमे पे पहना हुआ था, तो ना मेरा था पता नहीं इसी कलर में ना तकरीबन मेरा
ड्रेस था, मैक्सी थी तो वो उसके साथ है, ये मैंने पहना था जूता। तो ज़्यादातर जो मैं शादी से पहले किए हैं और कुछ शादी के बाद के भी मेरे ना अम्मी की तरफ पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कभी उधर गई मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। तो ये भी स्टाइल हुक है। हाँ जी, ये भी मेरा बरी का था, सिल्वर सा कलर है ये भी। तो ये भी मैंने, ये काफ़ी दफ़ा मैंने पहना है, इजी सा है ना, गर्मियों में बंदा पहन सकता है। ये था, ये मेरे उधर था अम्मी की तरफ से, ब्लैक कलर में। ये मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल एक दफ़ा पहना है सिर्फ, मुझे बहुत पसंद था, मैंने बहुत शौक से लिया था सर्विस से। बहुत पसंद था मुझे। उसके बाद हाँ ये भी गोल्डन कलर में, ये मैंने शायद, ये मेरी मदर इन लॉ का था आई थिंक, तो उन्होंने मुझे दे दिया था कि अब मैं हील वाले नहीं पहनती हूँ, तुम पहन लो। हाँ आई थिंक ऐसे ही था, ये वाला था या दूसरा था मेरे ख्याल में, जो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इन मेरे ना ब्राइड यानी कि जब बारात वलीमे के भी जो है ना जूते, वो इतने हैवी नहीं थे। हाँ जी वो वाला ही था, वो उन्होंने दिया था, ये मैंने बारात पे पहना था, इतनी हाई हील भी नहीं है, बिल्कुल मुनासिब से मैंने खुद ही कहा था उन्हें कि ऐसे लेके आइएगा। तो ये थे जो कि इस वक्त मेरे अपने घर में मौजूद है जूते। तो बाकी मेरे बहुत, मैं कहती हूँ ना पता नहीं क्या सेल लगी हुई है मेरी अम्मी की तरफ, जो पड़े हुए हैं इतने ज़्यादा। तो वो कहती हैं कि जगह है नहीं हमारे घर, तो तुम्हारी चीज़ें नहीं यहाँ से ख़त्म होती। तो वो कभी इंशाल्लाह ताला अम्मी की तरफ चक्कर लगाएं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग ये। अब मैं जीशान से हलवा थोड़ा सा मैंने मंगवाया था, मैंने बहुत दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का, शाम को मैंने जीशान से कहा था कुछ मीठा ले आइएगा। तो वो ना कहते हैं आजकल ना सर्दी में गाजर का हलवा अच्छा लगता है, तो वो मैं ले आऊँगा। तो वो बेकरी से लेके आए थे तो मुझे नहीं था इतना अच्छा लगा, ये मेरे ख्याल में मुझे घर से, घर में जो बनता है ना मेरी बहन बनाती है, मैं भी बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मेरी बहन बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। तो वो कभी इंशाल्लाह वहाँ का जगह लगा तो वो भी से आपसे शेयर करूँगी कि कैसा है। ये क्लिप मैंने पहले ही रखना था तो वो वाला बाद में रखना था, तो मेरे पागल के काम देखें जी, मैं बाद में ये रख दिया और वो वाला पहले, चलिए इट्स ओके। तो टेस्टी नहीं था, मैं बहुत, मेरा ना दिलो चाट हुआ देख के, कि कुछ चीज़ें होती है ना कि स्पेसिफिक जगह जो होती है वहीं से अच्छी मिलती हैं, और उसके अलावा इंसान को यह पसंद होती हैं। तो ये नेक्स्ट ही आ गया आज का, जो कि नाश्ते का मैं शूट कर रही हूँ थोड़ा सा, इसके बाद कर रही है ना मैं इंशाल्लाह तला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। और देखते रहिए मेरे व्लॉग्स को, सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच।